चैनल में। तो दोस्तों हम IDFC जो बैंक में मूवमेंट मिली है 30% की, तो उसके पीछे का जो रीजन है, तो हम उसके रीजन के बारे में बात करेंगे। तो उसका लेटेस्ट जो न्यूज अनाउंस हुआ है, तो दोस्तों उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। अब तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, फाइनेंशियल कैसा रहेगा, होल्डिंग कैसा है, तो पूरा एनालिसिस करेंगे दोस्तों। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों रिसेंटली जो न्यूज आया IDFC फर्स्ट बैंक में, तो दोस्तों ये न्यूज ऐसा है कि IDFC फर्स्ट बैंक में होगा IDFC का मर्जर। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया जो न्यूज रिसेंटली आया हुआ है, December 31, 2021 में आया, जो अनाउंस किया है कि जो IDFC फर्स्ट बैंक में IDFC का लिमिटेड और IDFC फाइनेंस का होल्डिंग, IDFC फाइनेंस होल्डिंग का कॉरपोरेशन जो है, दोनों का विलय होगा IDFC फर्स्ट बैंक के साथ। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी जो न्यूज आया है, तो हमको इस स्टॉक के में मूवमेंट भी मिल रही है। IDFC जो स्टॉक है उसमें 13% की मूवमेंट मिली है। दोस्तों यहाँ पे आपको न्यूज देखने को मिल रहा है कि जो IDFC फर्स्ट बैंक ने IDFC फर्स्ट बैंक में IDFC और IDFC फाइनेंस होल्डिंग कॉरपोरेशन, ये दोनों का मर्जर होगा। और IDFC फर्स्ट बैंक के बोर्ड ने इस विलय के लिए मंजूरी दे दी है दोस्तों, और गुरुवार को बोर्ड में इस फैसले की भी जानकारी दी गई है दोस्तों। तो रेगुलेटरी फाइनेंस में मुताबिक 30 दिसंबर को बैंक में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक हुई थी, उसमें IDFC फर्स्ट बैंक में IDFC और IDFC फाइनेंस होल्डिंग के मर्जर का प्रस्ताव का विचार किया गया था, उसका मंजूरी अब मिल गई दोस्तों। तो ये जानकारी के मुताबिक हमको ये स्टॉक में बहुत ही बड़ी मूवमेंट देखने को मिल रही है दोस्तों, जो उसका नाम है IDFC लिमिटेड। तो IDFC लिमिटेड में आप देख सकते हो क्लोजिंग उसका 63 रुपीज का मिला है, 13% की हमको मूवमेंट देखने को मिले दोस्तों। उसका लो था 13 पॉइंट, अब मैक्सिमम बात करेंगे जो लो उसका 13.25 से उसका हाई 188 का था दोस्तों। तो अभी हमको 63 रुपीज में मिल रहा है, और फिर ये मर्जर का भी न्यूज है दोस्तों। अब उसकी फाइनेंशियली बात करेंगे दोस्तों, तो फाइनेंशियली हमको पता चलेगा कि भाई उसका जो मार्केट कैप स्मॉल कैप में आ रहा है, स्मॉल कैप में अभी मार्केट कैप वैल्यूएशन है, मार्केट कैप 8,892 करोड़ की मार्केट कैप है, उसका रैंक आता है 361। तो दोस्तों बहुत ही मार्केट कैप भी अच्छी है, लेकिन जो न्यूज आया है वो बहुत ही उसकी रिगार्डिंग हमको मूवमेंट भी देखने को मिल रही है दोस्तों। अब फाइनेंशियली बात करेंगे, फाइनेंशियल भी कैसा उसका परफॉर्मेंस कैसा है, तो उसका हम क्वार्टरली में बात करेंगे, तो हमको और तरीके से देखने को मजा आएगा दोस्तों। टोटल रेवेन्यू आप देखोगे December 2020 में उसकी टोटल रेवेन्यू थी 106, और कंपेयर टू September 2021 में 338 थी। तो दोस्तों रिसेंटली जनवरी में उसका क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद जो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगी, तो और हमको तेजी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और नेट इनकम देखोगे तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, नेट इनकम आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। December 2020 में -205 था, लेकिन September 2021 में उससे उल्टा हो चुका है दोस्तों, प्लस हो चुका है, +261 का नेट इनकम हो गया। तो पॉजिटिव फाइनेंशियल भी अभी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब होल्डिंग के बारे में बात करना चाहे तो दोस्तों होल्डिंग देखते हैं कि होल्डिंग में भाई उसका कितना प्रमोटर फॉरेन इंस्टीट्यूट के पास होल्डिंग है दोस्तों। यहाँ प्रमोटर के पास 0 होल्डिंग है दोस्तों, प्रमोटर के पास कुछ होल्डिंग ही नहीं है दोस्तों। होल्डिंग का मैंने पूरा सेपरेट से वीडियो बना दिया है, तो आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। अगर प्रमोटर उसका होल्डिंग बेच दे तो हमको क्या करना चाहिए, कोई भी स्टॉक हो उसमें प्रमोटर होल्डिंग बेचना स्टार्ट कर दे तो हमको क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या फिर जो हमारे पास वो स्टॉक पड़ा हुआ तो उसको क्या होल्ड करना चाहिए। तो पूरा इन्फॉर्मेशन का वीडियो यहाँ लिंक में आपको मिल गई होगी, तो पूरा वीडियो आप देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा दोस्तों। म्यूचुअल फंड के पास भी 3.65% का उसके पास होल्डिंग पड़ा हुआ है दोस्तों, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास more than 24% यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रहा है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया स्टॉक यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, होल्डिंग भी प्लस बहुत ही अच्छा है म्यूचुअल फंड के पास। अब उसका जो मर्जर हो चुका है IDFC फर्स्ट बैंक के साथ दोस्तों, तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। अब उसकी टेक्निकली बात करना चाहे दोस्तों, तो टेक्निकली यहाँ पे देखने को मिल जाए, अभी रेजिस्टेंस पे आके ही रुक गया है दोस्तों। 63 का रजिस्टर था, वहां पे क्लोजिंग दिया, अगर ये यहाँ पे क्रॉस ब्रेकआउट दे दिया, क्रॉस कर दिया, तो हमको नेक्स्ट टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों 92 का हमको लेवल देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है दोस्तों, उसका टारगेट भी हमको अगर ब्रेकआउट मिल गया तो हमको 62
से लेके 92 का हमको टारगेट देखने को मिल सकता है। दोस्तों मेरी ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपनी चैनल श्रीजीटेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। रिसेंटली जो हमने पेन स्टॉक का भी यहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल गई होगी, तो आप जरूर देखिए पूरा लिस्ट। बेस्ट स्टॉक फॉर बाय भी सजेस्ट करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन, लाइव ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी और बेस्ट पेन स्टॉक, तो हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी। दोस्तों प्लीज़ अपनी ढेर सारा प्यार दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, क्योंकि तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन, अगर वीडियो कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों तो प्लीज़ आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर प्लीज़ रिक्वेस्ट आप सब्सक्राइब कर दीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सब।